आजादी के बाद पहली बार आज गरीब का दर्द समझने वाली, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। पहली बार घर, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, गैस कनेक्शन, ऐसी बुनियादी सुविधाओं को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। विकास का ऐसा ही काम गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े का जीवन बदलता है। आप इस क्षेत्र का ही हाल याद करिए। पहले यहां रात बिरात कोई इमरजेंसी हो जाती थी, किसी को अस्पताल की जरूरत पड़ती थी तो हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के लोगों को लखनऊ, कानपुर, दिल्ली भागना पड़ता था। यहां उतने अस्पताल नहीं थे और दूसरे शहरों तक जाने के लिए सड़कें भी नहीं थी। आज यहां सड़कें भी बनी हैं, एक्सप्रेस वे भी बनते जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं। हरदोई और शाहजहांपुर दोनों जगह एक एक मेडिकल कॉलेज, ऐसे ही पूरे यूपी में दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज योगी जी ने खोले हैं, उनकी पूरी टीम ने। ऐसे ही होता है दमदार काम, ईमानदार काम। भाइयों और बहनों, जो भी समाज में पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उसे सशक्त करना, विकास का लाभ उस तक पहुंचाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यही भावना हमारी कृषि नीति में, किसानों से जुड़ी नीति में भी दिखती है। बीते सालों में बीज से बाजार तक की जो भी व्यवस्था हमने बनाई है, उनमें देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो हजारों करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचे हैं, उसका सबसे अधिक लाभ छोटे किसानों को हुआ है। आज हम उन करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ रहे हैं। कभी मेरे छोटे किसान के लिए बैंक के दरवाजे खुलते ही नहीं थे। एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, रिकॉर्ड सरकारी खरीद और पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में जाने से छोटे किसान को बहुत राहत मिली। साथियों, हमारा फोकस देश में सिंचाई के रकबे का विस्तार करने पर है, सिंचाई के क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी पर है। इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए आज ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास
गांव के पास ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का है जिससे जल्दी खराब होने वाली, अधिक दाम देने वाले फल सब्जियों की खेती किसान अधिक से अधिक कर सके और अधिक से जल्दी बाहर पहुंचा सके। इससे फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का भी तेजी से विस्तार हो पाएगा और गांव के पास ही रोजगार की नई संभावनाएं बनेगी। भाइयों और बहनों, बीते सालों में हमने गन्ना किसानों की दशकों पुरानी समस्याओं को ईमानदारी से दूर करने के लिए नए विकल्प, नए समाधान खोजने का प्रयास किया है। आज गन्ने के लाभकारी मूल्य के मामले में भी यूपी देश में अग्रणी राज्यों में है। भुगतान के मामले में भी योगी जी सरकार ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग को भी अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कच्चा तेल मंगाने में देश का पैसा तो बच ही रहा है, देश का चीनी सेक्टर भी मजबूत हो रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवीय की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। आप खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भलीभांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे, यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो
तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी, गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी। लेकिन बीते चार साढ़े चार साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली NCR और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है,
एक बाजार है सोतीगंज, ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। भाई और बहनों, जिनको माफिया का साथ पसंद है वो माफिया की ही भाषा बोलेंगे। हम तो उनका गौरव गान करेंगे जिन्होंने अपने तप और त्याग से इस देश को बनाया है। आजादी का अमृत महोत्सव इसी भावना का प्रतीक है। देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित करने वालों को उनका उचित स्थान दिलाना, ये हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर में शहीद संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। संग्रहालय में शहीदों की स्मृतियों को संजोया गया है। ऐसे प्रयासों से यहां आने वाली नई पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। आपके आशीर्वाद से यूपी के विकास का एक कर्मयोग ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। पूर्व हो या पश्चिम, अवध हो या बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के कोने कोने को विकसित करने का अभियान जारी रहेगा। एक बार फिर आप सभी को गंगा एक्सप्रेसवे की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।